लगता है हमास गाजा में इसराइल से अपने वजूद की आखिरी जंग कर रहा है। पिछले चार दिनों से इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा पर इतने भयानक हमले किए हैं कि पूरे दक्षिणी गाजा में लाशें बिछ गई हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हमास के उन ठिकानों पर हमले किए हैं जो स्कूल में बनाए गए थे। अड्डे हमास के उड़े चीथड़े। 9 महीने से ज्यादा की जंग अब बहुत ज्यादा बेरहम हो चुकी है। दक्षिणी गाजा इस वक्त गाजा जंग का वो अखाड़ा बन चुका है जहां एक तरफ हमास लड़ाके रॉकेट और एंटी टैंक माइन से हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने एक बार फिर से अपनी एयरफोर्स को युद्ध में झोंक दिया है। दिन और रात इजरायली एयरफोर्स चुन चुन कर हमास के टारगेट्स पर हमला कर रही है। जानकारों के मुताबिक दक्षिणी गाजा में इस वक्त हमास के सबसे अच्छे और बेहतरीन लड़ाके इजरायली सेना से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। खुद पीएम नेतन्याहू ये मानने को मजबूर हुए हैं कि हमास एक बार फिर से दक्षिणी गाजा से भयानक हमले इजरायली सेना पर कर रहा है, लेकिन पिछले चार दिनों में इजरायली वायु सेना ने अपने हमलों से ऐसा कोहराम मचाया है कि पूरा दक्षिणी गाजा खून से लथपथ हो गया है। लगभग 12 घंटे पहले इजरायल ने दक्षिणी गाजा के शहर खान यूनिस पर अब तक का सबसे प्रचंड हवाई हमला किया है। जरा एनिमेशन से समझिए खान यूनिस में इजरायली हमले में क्या हुआ है। फिलिस्तीनी अधिकारियों के दावों के मुताबिक इजरायली वायुसेना के कई फाइटर जेट ने मिलकर खान यूनिस में अल अब्दा स्कूल पर मिसाइलों से हमले किए हैं, जबकि इजरायली सेना का कहना है कि हमास के लड़ाकों ने स्कूल में अड्डे बना रखे हैं जिसकी वजह से वहां पर हमला किया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने हमास के लड़ाकों पर हमले करके मिसाइल दागे जिसमें कई हमास लड़ाके मारे गए हैं, लेकिन इस हमले की चपेट में कई फिलिस्तीनी आ गए। इस हमले में 30 से ज्यादा फिलिस्तीनी मौके पर ही मारे गए हैं। खान यूनिस वही इलाका है जहां सबसे ज्यादा हमास लड़ाकों के मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। इसराइल का हवाई हमला होते ही खान यूनिस में मौजूद अल अब्दा स्कूल में कोहराम मच गया। तबाह इमारतें, इंसानी चीथड़े और चीखते और रोते लोगों की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि दक्षिणी गाजा खून से लथपथ हो चुका है। दो 277 दिन का युद्ध मार दिए 38,000 से ज्यादा। इसराइल इस वक्त दक्षिणी इसराइल नेतन्याहू सरकार के लिए नासूर बन चुका है। यही वो इलाका है जहां नेतन्याहू बार बार अपने कमांडरों से पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक हमास की आखिरी बटालियन का सफाया दक्षिणी गाजा से होगा। इस वक्त दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना पर बेहद तीखे हमले हो रहे हैं। लगभग 4 हफ्ते पहले भी रफा में हमास के लड़ाकों ने एंटी टैंक मिसाइल से इसराइल के सबसे मजबूत बख्तरबंद को उड़ा दिया था जिसमें 8 इजरायली सैनिकों समेत एक इजरायली कमांडर भी मारा गया था। गाजा लगभग 90% तक तबाह हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इसराइल वहां हमले तेज करता जा रहा है। हमास के लड़ाके बेशक रॉकेट से गुरेला युद्ध कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि इजरायली सेना के हाईटेक हथियार और जबरदस्त खुफिया तंत्र के सामने हमास टिक नहीं पा रहा है। अब तक 15,000 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं और अब दक्षिणी गाजा में हमास की आखिरी बटालियन इजरायली सेना से जंग कर रही है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि हमास के लड़ाकों ने स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इलाकों में अपने अड्डे बना लिए हैं जहां से इजरायली सेना पर खूनी हमले हो रहे हैं। यही वजह है कि इजरायली सेना
अब दक्षिणी गाजा में उन जगहों पर भी हमले कर रही है जहां पर हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी मौजूद हैं। इन एनिमेशन के जरिए देखिए कि चार दिन में इजराइल ने कितने रिहायशी इलाकों पर हमले किए हैं जहां हमास के अड्डे होने का दावा किया गया है। मिडिल ईस्ट मीडिया के मुताबिक इजरायली सेना ने चार दिन में चार स्कूल पर हमले किए हैं जहां पर हजारों फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी थी। दावा किया जा रहा है कि स्कूल के अंदर हमास लड़ाके भारी हथियारों और रॉकेट के साथ मौजूद थे जिन पर इजरायली वायुसेना ने बम और मिसाइलों से हमले किए हैं। इजरायल के हवाई हमलों में दावा किया गया है कि स्कूल में मौजूद दो दर्जन से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं, लेकिन इन हमलों के दौरान पिछले चार दिनों में 77 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं जिसकी वजह से दक्षिणी गाजा में कोहराम मचा हुआ है। وصلنا شارع الكركار بعد 10 دقائق وصلنا هناك الا بتنزل ايش قنبلة على الشباب اللي كانوا معايا من حمد الله ان يكون قدام نزل الصاروخ بيجي 6 انفار 7 انفار استشهدوا اللي كانوا معانا جوا محبسين وشا والحمد لله طلع اصل میں حماس کو لگ رہا تھا کہ اسرائیلی سینہ فلسطینیوں سے بھرے اسکول پر ہوائی حملے نہیں کر پائے گی लेकिन यहां पर इजरायली सेना ने सटीक हमलों से हमास पर हमले कर दिए। जरा देखिए पिछले चार दिनों में इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में कहां कहां हमले किए हैं और इन हमलों की वजह से हमास के साथ साथ कितने फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार को इजरायली वायुसेना ने नुसीरात में अल जॉनी स्कूल पर हमला किया था जिसमें 16 फिलिस्तीनियों की मौत हुई थी। इसराइल के हमले के समय अल जॉनी स्कूल में लगभग 2000 फिलिस्तीनी शरण लिए हुए थे। 7 जुलाई 2024 दिन रविवार, इस दिन इजरायली सेना ने गाजा शहर के होली फैमिली स्कूल में हमला किया जिसमें 4 फिलिस्तीनी मारे गए थे। चश्मदीदों के मुताबिक होली फैमिली स्कूल में हमले के वक्त सैकड़ों लोग स्कूल के मैदान में मौजूद थे। 8 जुलाई 2024 दिन सोमवार को नुसीरात में UNRWA द्वारा संचालित स्कूल पर इजरायली हमले में घायल हुए कई लोगों को इलाज के लिए अल अब्दा अस्पताल लाया गया। 9 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को इजरायली सेना ने खान यूनिस के पास अबासन में अल अब्दा स्कूल के मैदान में एक तंबू पर हमला किया जिसमें कम से कम 30 फिलिस्तीनी मारे गए और 58 से ज्यादा घायल हुए। पिछले चार दिन में गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमले में 77 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। बेशक इजरायल हमास पर काफी भारी पड़ रहा है, लेकिन ये भी सच है कि हमास फिलिस्तीनियों को ढाल बनाकर हमले कर रहा है। यही वजह है कि अब इजरायली सेना ने गाजा शहर से फिलिस्तीनियों को भागने के लिए कहा है। इजरायली सेना ने पर्चे गिराए, फिलिस्तीनियों को गाजा शहर छोड़ने का आदेश दिया। IDF ने अपने आदेश में कहा है फिलिस्तीनी नागरिक दीर अल बल्लाह और अज जबायदा की तरफ जाएं, वहीं एक सुरक्षित जगह उनके लिए बची है, सुरक्षित गलियारे खोल दिए गए हैं। IDF ने अपने आदेश वाले पर्चे में लिखा है हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि तारिक बिन जियाद और उमर अल मुख्तार की सड़कें भागने के लिए सुरक्षित है। आप सभी पश्चिम से अल रशीद स्ट्रीट और वहां से दक्षिण की ओर सुरक्षित गलियारे से जाएं। अल वहदा और खलील अल वजीर सड़कें पूर्व में अल जायतौन पड़ोस और शहर के चौराहे तक जाने के लिए सुरक्षित गलियारे और मार्ग हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करें। वहां से सलाह अल दीन सड़क के माध्यम से दक्षिण तक जाएं। नोटिस में लिखा है गाजा सिटी एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र बना रहेगा, इसलिए गाजा सिटी